हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। क्या हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री? क्या ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि अन्य देश में इस्लाम नहीं? मिशन के तहत मुस्लिम नेता दे रहे हैं ऐसा बयान। विवादित बयानों के सरताज, पूरी किताब, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। अब की बार उनकी जुबान के निशाने पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख बदरुद्दीन अजमल आए हैं। अजमल पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अजमल इस्लाम को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री मानते हैं। गिरिराज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट के जरिए उन पर हमला बोला है। गिरिराज ने ट्वीट किया, बदरुद्दीन अजमल की नजर में हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है। क्या ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि अन्य देश में इस्लाम नहीं है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर उपाय किए? मुस्लिम नेता अपनी संस्कृति और मिशन के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं। मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है, समझे कि नहीं? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम लोगों को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको एक पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे नौकरी लेके खुद आओ, अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो ताकि वो भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें। दरअसल बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार की उस नीति पर सवाल खड़े किए हैं जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी नौकरी न देने का फैसला किया गया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अजमल ने कहा कि इस्लाम सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं रखता, जिन लोगों को इस दुनिया में आना है उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए नए नियम पर मुसलमान ज्यादा ध्यान ना दें और ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को ऐसी तालीम दी जाए जिससे वो खुद तरक्की कर सके और हिंदुओं को भी नौकरी दे सके। सरकार मुसलमानों को नौकरी ना देने के लिए ये प्रस्ताव लाई है, लेकिन मुस्लिम किसी के नहीं सुनेंगे और संतान उत्पत्ति जारी रखेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट की तरफ से लिए गए इस फैसले के अनुसार 1 जनवरी साल 2021 से 2 बच्चों से अधिक वाले सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।